सो गाइस लास्ट हम एसटीडी का पढ़ेंगे एचआईवी एड्स के बारे में. सो लास्ट हम देखते हैं एचआईवी एड्स के बारे में. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एड्स की फुल फॉर्म. सो ए का मीन होता है यहां पे एक्वायर्ड, आई मीन्स इम्यूनो, डी मीन्स डेफिशिएंसी एंड एस मीन्स सिंड्रोम. सो ओवरऑल आप बोल सकते हो एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. सो गाइस इट इज वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शन विद एचआईवी. क्या है ये? इट इज वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शन विद एचआईवी. ओके, नेक्स्ट थिंग आती है ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या करता है हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, कम करता है. इट रिड्यूस इम्यूनिटी एंड स्प्रेड इन्फेक्शन. सो आप सबको पता होगा इम्यून सिस्टम जिस जिसका वीक होता है उसको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन होने के. नेक्स्ट बात आती है इसका इंक्यूबेशन पीरियड. सो गाइस इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो डेज, मंथ या वीक्स में नहीं होता. इट्स अबाउट 8 to 10 years इन अडल्ट्स, और आप बोल सकते हो बच्चों में बिलो द 5 years ये रहता है विद इन 2 years. सो इंक्यूबेशन पीरियड एट टू टेन ईयर्स इन अडल्ट आप बोल सकते हो, एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years. 5 साल से छोटे बच्चों को ये विद इन 2 years में ही उनमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं. सो ये थी नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द एड्स. एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट इज वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शन विद एचआईवी. इट रिड्यूस अवर इम्यूनिटी एंड स्प्रेड द इन्फेक्शन. देन इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 8 to 10 years इन द अडल्ट, एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years में रहता है विद इन 2 years. नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो फर्स्ट वन आता है कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. सो इसका जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. कॉजिटिव एजेंट एचआईवी, क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ओके, ये है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट बात आती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन. कैसे, किस मोड से ये फैलता है? सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले रहता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर कोई ब्लड है जिसमें एचआईवी वायरस प्रेजेंट है, वो किसी को हमने गलती से ट्रांसफ्यूज कर दिया, सो गाइस जो दूसरा पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा. तो सेकंड थिंग इज द इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ओके, इन्फेक्टेड ब्लड को क्या कर दिया? ट्रांसफ्यूज कर दिया. नेक्स्ट आता है बाय शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स और सिरिंज. बाय शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस. इट मीन्स अगर हमने एचआईवी वायरस वाले बंदे की नीडल, सिरिंज में जो नीडल होती है वो हमने किसी दूसरे पर्सन में अगर लगा दी, सो गाइस उसका जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो दूसरे पर्सन के अंदर चला जाएगा और उसको भी एचआईवी वायरस हो सकता है. नेक्स्ट आता है इन्फेक्टेड मदर टू फिटस. नेक्स्ट वन है इन्फेक्टेड मदर टू फिटस.
मीन्स कोई मदर है उसको ऑलरेडी HIV वायरस है, तो उसके फिटस में होने के भी चांसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है ऑल्सो इट विल ट्रांसमिट थ्रू द सिक्रीशंस, फॉर एग्जाम्पल सीमन के थ्रू भी ये फैल सकता है, थ्रू सिक्रीशंस लाइक सीमन. सो ये क्या थे इसके सारे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. पॉजिटिव एजेंट हमने पढ़ा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड प्रोडक्ट, बाय शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स एंड द सिरिंजेस, इन्फेक्टेड मदर टू फेटस, एंड द लास्ट वन इज द थ्रू सम सिक्रेशंस, फॉर एग्जाम्पल सीमन. सो गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द एड्स, साइन एंड सिम्टम. सो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज के क्या सिम्टम रहेंगे एंड सेकेंड स्टेज के क्या सिम्टम्स रहेंगे. ओके सो हम देखते हैं पहले फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स. सो गाइज फर्स्ट स्टेज के जो सिम्टम है वो अपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं विद इन 6 weeks ऑफ द इन्फेक्शन, within 6 weeks of infection, जिसमें क्या क्या साइन आएगा. सबसे पहले रहेगा वहां पे swollen of the lymph node, जितने भी lymphatic organs हैं उनमें हो सकती है swelling, swollen of lymph nodes, ये क्या है इसका फर्स्ट स्टेज का पहला साइन एंड सिम्टम. नेक्स्ट है फीवर रहेगा, फीवर, फटीग, घबराहट होगी, रैशेज, क्या होगा रैशेज, पूरी बॉडी में क्या हो जाएंगे रैशेज पड़ जाएंगे, पैचेस पड़ जाएंगे, एंड वहां पे हो सकता है सोर थ्रोट, सोर थ्रोट एटसेट्रा. सो ये क्या है वो साइन एंड सिम्टम जो कि फर्स्ट स्टेज में विद इन 6 weeks ऑफ इन्फेक्शन शो होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड स्टेज के साइन एंड सिम्टम. सो गाइस जो सेकेंड स्टेज के साइन एंड सिम्टम है उसमें क्या है, जो फीवर है वो प्रसिस्टेंट रहेगा मोर देन 1 month, फीवर प्रसिस्टेंट मोर देन 1 month. Persistence का मतलब होता है कंटिन्यूसली क्या होगा उसको फीवर देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा उसका वेट लॉस हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड मतलब हमने सोचा भी नहीं होगा उतना ज्यादा उसका वेट लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग आती है इसमें डायरिया एंड ट्यूब्रोक्लोसिस. मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया था कि ट्यूब्रोक्लोसिस जो रहता है HIV वाले बंदे में ट्यूब्रोक्लोसिस होता ही होता है, वेरी कॉमन. सो क्या है इसमें, उसको परसिस्टेंट डायरिया रहेगा, एंड द लास्ट वन इज द ट्यूबरक्लोसिस. सो ये क्या थे इसके फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज के साइन एंड सिम्टम. फर्स्ट स्टेज में हमने देखा उसको स्वेलिंग होगी लिम्फ नोड्स में, फीवर रहेगा, फटीग रहेंगे, रैशेज रहेंगे, सोर थ्रोट रहेगा. सेकंड स्टेज में फीवर परसिस्टेंट मोर देन 1 month, देन अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, डायरिया रहेगा परसिस्टेंट, एंड द लास्ट वन इज द ट्यूब्रोक्लोसिस. सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सो एड्स की प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अवेयरनेस जगाएंगे कहां पे, अबाउट द HIV इन्फेक्शन इन द चिल्ड्रन. अवेयरनेस ऑफ HIV इन चिल्ड्रन. सेकेंड थिंग, यूज प्रोटेक्टिव मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम. क्या करेंगे सेकेंड थिंग, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम वहां पे यूज करने के लिए बोलेंगे. थर्ड थिंग है वहां पे स्क्रीनिंग ऑल ब्लड प्रोडक्ट एंड टिश्यू फॉर द ट्रांसप्लांट.
कोई भी अगर वहाँ पे किसी को भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं या कोई हम किसी को कोई ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, सो उस केस में क्या है, जितने भी उनके सैंपल्स हैं, जितने भी ब्लड के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं वो हमें करने ही करने चाहिए. ओके, सो थर्ड थिंग इज द स्क्रीनिंग ऑफ ऑल ब्लड प्रोडक्ट बिफोर एनी ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसप्लांट. कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने से पहले ओवरऑल स्क्रीनिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट है यूज स्टरलाइजेशन मेथड फॉर द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन. फॉर एग्जांपल किसी एचआईवी पर्सन ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है सो उसको हमने क्या करना है, प्रॉपरली स्टरलाइज करना है. प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट that is used by infected person. Okay? Next thing आती है use of disposable single use needle. कोई भी needle है उसको हम single ही use करेंगे. For example ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी को कोई injection लगाया सेम हम क्या करेंगे दूसरों को लगा देंगे. नो, अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है किसी को HIV infection हो और वो दूसरे बंदे में भी चला जाए. So, क्या करना है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस हमने यूज करनी है. यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स. नेक्स्ट थिंग आती है बाय अवॉइडिंग प्रेगनेंसी बाय द इन्फेक्टेड विमेन. क्या करना है, अवॉइड प्रेगनेंसी बाय इन्फेक्टेड विमेन. फॉर एग्जाम्पल किसी विमेन को ऑलरेडी पता है कि शी इज HIV इन्फेक्टेड तो उसको क्या करना है, प्रेगनेंसी अवॉइड ही करनी है. नेक्स्ट आता है प्रॉपर बिहेवियर विद द इन्फेक्टेड पर्सन. अगर किसी को HIV एड्स हो गया है सो गाइज उससे ऐसा नहीं है कि हमने बात करना छोड़ देना है, उसके साथ खाना नहीं खाना है, उससे शेक हैंड नहीं करना है. ये सारी चीज़ें HIV एड्स को नहीं फैलाती है. सो ये क्या थे इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी, अवेयरनेस ऑफ HIV इन्फेक्शन करेंगे, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम, स्क्रीनिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट बिफोर ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसप्लांट ऑफ द ऑर्गन, प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेनली यूज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड द लास्ट वन इज द अवॉइड प्रेगनेंसी बाय द इन्फेक्टेड वीमेन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू. हैव अ